हाय फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्ते, जय हिंद, खमागणी, जयपुर। मैं देवेंद्र सिंह राठौर अपने इस यूट्यूब चैनल विनायक बिल्डर्स एंड डेवलपर्स पे आप सभी का दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, अभी मैं हूं कालवाड़ रोड पे माचुआ के अंदर और आप मेरे पीछे देख सकते हो ये कालवाड़ रोड से गाड़ियां चलती हुई दिखाई देंगी। ये मेन कालवाड़ रोड है और इसी में ये जो बिल्डिंग है ये इंडियन ओवरसीज बैंक है और वहीं पे आप देख सकते हो पीछे ये ITI बाबा रामदेव निजी ITI कॉलेज है माचुआ के अंदर और यहीं सामने जागृति एग्जाम डेक है। तो यहीं पर दोस्तों मैं आप सभी को यहाँ पर आज लो बजट के एक ऐसी छोटी सी टाउनशिप जिसे देखकर आपका दिल खुश हो जाए अंदर दोस्तों सीवरेज और सीमेंटेड रोड CC रोड है, इसके अलावा लाइट्स, पानी वगैरह, सीवरेज वगैरह सब कुछ कनेक्टिविटी है और रोड से मात्र कनेक्टिविटी आप देख सकते हो ये हार्डली 50 मीटर भी मेन रोड से नहीं है। उसके अंदर जो 50 गज का मकान है यहाँ पर आपको मिलेगा 50 गज का 16 लाख में, 60 गज का 17 लाख में और इसी तरह से बढ़ता जाएगा और आपके बजट के अकॉर्डिंग, जैसे कि मान लो आप 100 गज के आप देखते हो तो 24 लाख में एक बेहतरीन मकान। तो अभी मैं आपको इस टाउनशिप का विजिट कराता हूँ। अब जागृति एग्जाम डेट दिखाई दे रहा है, उससे जस्ट पहले ये टाउनशिप है जिसका मेन एंट्रेंस गेट आप देख सकते हो, आप देख सकते हैं ये मकान जो आप दिख रहे हैं उसी के अंदर हमारे को इसके अंदर जाना पड़ेगा और इसके लिए ये है मेन गेट एंट्री पॉइंट है ये और यही आप देख सकते हो। इस एंट्री गेट के लिए आप ये जो देख रहे हो ये है गार्ड रूम, यहाँ सिक्योरिटी के लिए गार्ड रूम रहेगा और जैसे ही हमने एंटर किया आप देख सकते हो ये ब्लॉक लगाए हुए हैं CC रोड के लिए और ये सभी जो डुप्लेक्स दिखाई दे रहे हैं आपको यहाँ पर 50 गज, 60 गज, 80 गज, 75 गज, 100 गज के अंदर मिलेंगे। अभी जो मैं आपको विजिट कराने जा रहा हूँ इस देख सकते हो इसका ये टाउनशिप आप देख सकते हो लास्ट पर और साइड में यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सभी मकान है यहाँ पर जो कि ऑलरेडी सोल्ड आउट है। यही सामने भी देख सकते हो आप, इसी के साथ में जो मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ एक मकान जो विजिट कराऊंगा अभी वो 91 स्क्वायर यार्ड का, अगर इसकी साइज की बात करें तो 18x45 साइज है इसकी और इसी की अभी हम विजिट कराएंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं अगर डिस्टेंस वाइज अगर बात करें तो रेलवे स्टेशन जयपुर जंक्शन से अगर इसका डिस्टेंस देखें तो अबाउट 16 किलोमीटर डिस्टेंस पड़ेगा। वहीं पे अगर 200 फीट बाईपास को देखें तो वहां से 8 किलोमीटर इसका हार्डली डिस्टेंस पड़ेगा और अगर वहीं पे हम ये माचुआ स्टैंड जो मेन कालवाड़ रोड है वहां से देखें तो हार्डली 50 मीटर डिस्टेंस पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पर सीवरेज और पानी 24 आवर्स पानी है और वेल दोस्तों ये देख सकते हो आप जो मैंने अभी बताया 91 गज का मकान, तो अभी हम इसका अंदर से मैं आपको विजिट कराता हूँ। ये देख सकते हैं हम रैंप से जैसे ही अंदर आए तो ये है इसका पार्किंग एरिया। पार्किंग में आप देख सकते हो ये है पानी का टैंक और अगर हम इसकी कुर्सी की बात करें तो आप देख सकते हो ये इतनी हाइट की भी है जो कि आप देख सकते हो उधर मेन रोड से काफी ऊंचा इसकी कुर्सी ली हुई है और यहाँ पर ये खाली है और इसके बगल वाले दोनों सेल हो चुके हैं। तो ये मकान है आप देख सकते हो, अभी ये बाहर से जीना है इसका और स्टील की रेलिंग है, ग्रेनाइट का जीना है। जैसे ही हमने एंटर किया, एंटर करते ही आप देख सकते हैं ये वॉल सीलिंग की हुई है, पूरी बेहतरीन है। आप देख सकते हैं ये टीवी पैनल, LCD पैनल लगाया हुआ है, साथ में ये सामान लगाया हुआ है, बहुत ही बेहतरीन है जो कि इसका लुक है। वहीं पे आप देख सकते हैं ये वॉश बेसिन लगाएगा जो कि हम लगा नहीं है, लगा के देखे। और यहाँ बात करें हम तो कॉमन टॉयलेट है जिसके अंदर अभी सैनिटरी
फैसिलिटी फिटिंग करके आपको दी जाएगी। वेंटिलेशन देखिए तो आप देख सकते हैं पूरा वेंटिलेशन है। वहीं अगर हम देखें तो आप देख सकते हो ये रॉयल प्ले में डिजाइन है एक वॉल पे, और फॉल सीलिंग में कलर है, प्रीमियम कलर है। वहीं बात करें हम यहाँ की तो विट्रीफाइड टाइल्स दी हुई है जो कि 4x2 साइज की है। इसकी बात करें साइज की तो 13x12 साइज का ये मकान है जो कि नॉर्थ फेसिंग मकान है। और वहीं पे बात करें हम देख सकते हैं वास्तु के अकॉर्डिंग इसके अंदर ये किचन है जिसके अंदर पूरा फर्नीचर वगैरह सब लगाया हुआ है आप देख सकते हैं। और ये यहाँ पर दो बॉक्स लगाए हुए हैं, बीच के अंदर चिमनी के लिए स्पेस छोड़ा हुआ है। वहीं पे आप देख सकते हैं एग्जॉस्ट का ऑप्शन भी दिया हुआ है और फ्रिज के लिए स्पेस दिया हुआ है। और ये पॉइंट दिए हुए हैं जो कि गीजर एंड आरओ के पॉइंट है। वहीं पे आप देख सकते हैं ये है मास्टर बेडरूम, जो कि बहुत ही बढ़िया साइज में है। यहाँ एक वॉल देख सकते हो एक दूसरे डार्क कलर में दी है डार्क शेड में, और अटैच्ड बाथरूम है जो कि वेस्टर्न टॉयलेट है। और अगर हम इसकी बात करें साइज की तो ये बात करें इसके साइज की तो 12x12 इसकी साइज है। और वहीं पे आप देख सकते हो ये ड्रेसिंग टेबल यहाँ पर लगाई हुई है, ये वार्डरोब है जो कि स्टील की वार्डरोब है। और आप देख सकते हैं ये है ड्रेसिंग जो कि एक नया रूप देगा आपको मकान में। वहीं आप बात करें ये देख सकते हैं आप ये ग्रिल लगाई हुई है और साथ ही यहाँ कूलर पॉइंट के लिए विंडो दी हुई है। और ये पीछे आप देख सकते हैं ये है गैलरी जो कि वेंटिलेशन के लिए दी हुई है, सिक्योरिटी पर्पज में जाल लगाया हुआ है। अभी हम वापस हॉल में एंटर कर चुके हैं और आप देख सकते हैं ये है फ्रंट साइड का बेडरूम, 10x12 साइज है इसकी और एक वॉल डार्क साइड में है। और आप ऊपर देख सकते हैं पीओपी में वर्क है, प्रीमियम कलर है। फ्रंट साइड का बेडरूम है और इससे मेन एंट्रेंस भी वहां से और यहां से एग्जिट भी हो सकता है, यहां से डायरेक्ट आ सकते हैं। आप देख सकते हैं ये है बालकनी और ऊपर देखें तो ये है वुडन कलर में किया हुआ है। और सामने आप देख सकते हैं पूरे मकान वगैरह सब पड़े हुए हैं। तो अभी हम स्टील की रेलिंग और ग्रेनाइट का जीना है। दोस्तों ये था 2 BHK जो कि 91 स्क्वायर यार्ड में था। इसकी कीमत की अगर मैं बात करूं तो ये है 24 लाख रुपए मात्र में ये मकान है जो कि आपने देखा ऐसी टाउनशिप थी जिसके अंदर ये मकान आपका हो सकता है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। और अगर आपके कोई भी रिलेटिव दोस्त नॉन जो कि प्रॉपर्टी इंटरेस्टेड हैं उनको ये हमारा चैनल का लिंक शेयर कीजिए। और अभी मैं लेकर चलता हूँ आपको टेरिस के ऊपर। और ये ओपन टेरिस है, इसके बैक साइड का एरिया है जहाँ की ये आप देख सकते हो अंसल सुशांत सिंह की सेकंड है जो पीछे मकान वगैरह बने हुए हैं। वहीं पे अगर हम सामने की तरफ देखें तो आप देख सकते हो सारे मकान वगैरह सब बने हुए हैं और इनमें काफी हद तक सोल्ड आउट हो चुके हैं। इसी के बगल वाला ये आप देख सकते हैं क्योंकि ये लगा हुआ है ये सोल्ड आउट है। तो अगर दोस्तों इस प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड है तो दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलते हैं, जय हिंद।